नहीं, बहुत गलत हुआ उसके साथ। जो भी उसके साथ हुआ बहुत गलत किया उसने, वो बहुत गरीब था। एक एक रुपया उसको जो है उसको पढ़ाया लिखाया उसके साथ बहुत गलत की उसने। ऐसे करने से आप कहते हैं सबका भरोसा टूट जाएगा, सोसाइटी में गलत इम्पैक्ट हो जाएगा। नहीं, पढ़ाना नहीं। इलाहाबाद में एक एसडीएम लड़की बनी थी स्मृति मौर्य, जिसने अपने हस्बैंड को बाद में छोड़ दिया। अब युवा है, क्या सोचते हैं ऐसा करना सही है इसका? नहीं, बहुत गलत हुआ उसके साथ। उसने पढ़ लिख के मतलब उसको पढ़ाया लिखाया, इतना उसके ऊपर खर्चा किया, एक एक रुपया उसको जोड़ उसको पढ़ाया लिखाया, उसके साथ बहुत गलत की उसने। और मतलब कोई भी चाहेगा अपनी बीवी को पढ़ाना लिखाना तो नहीं पढ़ाएगा लिखाएगा, उसके साथ बहुत गलत हुआ, उसको छोड़ दिया। नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत करी हो। ये सब आदमी सोच के मतलब किसी को पढ़ाना चाहेगा तो ये पढ़ाएगा भी नहीं, ये देख के आदमी पीछे हट जाएगा। भाई एक अभी एक वाकया हुआ जिसमें एक लड़की जो एसडीएम बन गई थी, हाँ, उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। आप नए लड़के हैं, नए युवा हैं, कैसे देखते हैं चीजों को? जो भी उसके साथ हुआ बहुत गलत किया उसने, वो बहुत गरीब था। उसने एक एक पैसा जोड़ के अपने उसको पढ़ाया अपने मन से, उसका शौक था लड़की का कि हमको कुछ बढ़िया बने, तो उसने पढ़ाया लिखाया, लेकिन उसको बनने के बाद उसने उसको छोड़ा, बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा गलत किया। ये अब नहीं करना चाहिए, ऐसे करने से अब कहते हैं सबका भरोसा टूट जाएगा। अब कोई किसी को सोचेगा भी कुछ अच्छा कर दे तो वो किसी के साथ, कोई भी लड़की के साथ नहीं करेगा वो कोई। अब यह एक वाक्य हुआ जिसमें एक लड़की एसडीएम बन जाती है, उसके बाद अपने पति को छोड़ देती है। एक आप युवा हैं, कैसे देखते, क्या इसे करना ठीक है? नहीं, ये सर ठीक नहीं है, बहुत गलत है, क्योंकि ऐसे जैसे अभी इसे ये हुआ है, अगर आगे कोई ऐसी ही लड़की या किसी को सपने होते हैं कि आगे पढ़ना चाहती है शादी के बाद भी, तो उसके बाद अगर आज ऐसे वाक्य जो हुआ है, तो अगर आगे कोई ऐसे भी करवाना नहीं चाहेगा, पढ़ाने पढ़ाएगा नहीं, तो इससे उन्हीं का ही नुकसान है। उस तरह की जैसे इस तरह की मानसिकता जो लड़कियां रखती हैं, तो इससे उन्हीं का ही नुकसान है, क्योंकि इसी जो हुआ है तो गलत है, फिर आगे कोई इस चीज पे देख ही नहीं पाएगा, फिर जो भी कहेगा पढ़ने के लिए उसके बाद उसे रोक दिया जाएगा, भैया उसको अपना घर बचाना है। जो वाक्य हुआ ये बहुत गलत चीज हुई है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, उस पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या पत्नी को पढ़ाना गलत है? नहीं, पत्नी को अवश्य पढ़ाना चाहिए। क्या पत्नी को अगर कुछ अधिकारी बना देना, फिर उसके बाद पत्नी अलग चली जाना, तो ये परिवार के लिए एक देखा जाए तो एक वो है कि आप परिवार से दूर भाग रहे हैं, ये पत्नी की भूमिका संदिग्ध है। एक महिला थी, उसको उसके पति ने सफाई कर्मचारी तक पढ़ाया था, ठीक है, उसके बाद उसकी वो लड़की एसडीएम बन जाती है, एसडीएम बनने के बाद लड़की ने उसको छोड़ दिया, उसका अफेयर दूसरे लड़के से लग, क्या ये सही है कि जो लोग पढ़ने लड़कियां पढ़ने जाती शादी के बाद उन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? सोसाइटी में गलत इम्पैक्ट तो जाएगा, क्योंकि जब कोई भी आदमी इस प्रकार के प्रयास करता है तो उसके प्रयास में मतलब जो अन्य लोग हैं जो इस प्रकार के प्रयास करते हैं उनके लिए गलत मैसेज जाएगा, तो ये सोसाइटी के लिए तो बहुत, समाज के लिए बहुत खराब रहेगा। एक वाक्य सुनेंगे, इसमें सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की एसडीएम बन जाती है, उसके बाद अपने पति छोड़ देती है, पति उसको पढ़ा लिखाता है, आप कैसे देखते हैं, सही क्या? गलत है, इसलिए भाई देखो, उसने सफाई कर्मचारी हो के भी उसने पढ़ाया लिखाया, उसने बता रहा है अपना जिस हिसाब से उसने पढ़ा लिखा कि उसको इतना काबिल बना दिया, उसको बच्चे उसको अलग भी कर दिया, और उसमें आप लोग खुद ही देखे होंगे कैसे रो रहा है, एकदम इंसान है, यानी कि कोई भी होगा ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़की है चाहे लड़का हो, मगर लड़की गलती तो उसमें है नहीं, मगर औरत हो के तुमने लखनऊ में आके ये सब अपायर जो करते थे ये सब उसको पता चला तो कैसा लगा उसको? अरे एक लड़की एसडीएम बन गई, आदमी ने उसको पढ़ाया लिखाया, उसके बाद जब एसडीएम बन जाती है तो उसको छोड़ देती है, कहती है हटो हमारा दूसरे से अफेयर चल रहा है, क्या ये ठीक है? मतलब इससे ये गलत है, गलत है। मतलब भाई मेहनत करके पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, और उसके बाद में आदमी औरत आदमी को छोड़ दे तो ये गलत है, ये गलत है, इससे कई लड़कियों सपने भी टूटेंगे। और क्या तो है नहीं, लड़कियां घबराएंगी, फिर ऐसा काम नहीं करना चाहिए। भाई एक लड़की होती है एसडीएम बन जाती है, उसका हस्बैंड उसको पढ़ाता लिखाता है और एसडीएम बनने के बाद उसको छोड़ देती है, उसका फिर दूसरे से, क्या ये सही है? आप युवा हैं, शादी कल को आप होगी, अपनी वाइफ को पढ़ाना चाहेंगे? ऐसे नहीं पढ़ाना नहीं चाहेंगे, मतलब ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया, गलत किया उसने, लड़की ने गलत किया, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इतना मेहनत से आदमी ने पढ़ाया लिखाया उसने इतना किया, तो उस लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए आदमी के साथ। बहुत लोग से सोच रहे हैं कि ऐसा कोई ऐसी लड़की, हम लोग नहीं सोचे थे कि जिंदगी में कभी ऐसा करेंगी, पढ़ाने लिखाने के बाद एसडीएम बनने के बाद
अपने आदमी को छोड़ के दूसरे के साथ चक्कर चलाना गलत बात है। भैया एक वाकया सोशल मीडिया वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला है जो ज्योति मौर्य वो एसडीएम बन जाती है, उनके पति उनको पढ़ाते लिखाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन एसडीएम बनने के बाद उनका अफेयर दूसरे से शुरू हो जाता है। क्या ये समाज के लिए ठीक है कि वो अब छोड़ रहे अपने पति को? ये देखिए समाज के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और ज्योति मौर्य जैसी अगर लड़कियां हैं और एसडीएम बनने के बाद, चाहे हम भी युवा हैं चाहे और भी लोग हैं जो हमारे जैसे लोग हैं, काफी लोग हैं जो अपनी बीवी को बहुत आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, चाहे पढ़े लिखे हो थोड़ा सा और उसको प्रिपेयर कराना चाह रहे हैं, अपना सब कुछ लगा के उसको पैसा लगा के फाइनेंशियल सारी चीजों से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ज्योति मौर्य जैसी अगर लड़कियां निकलती रहे तो हमको लग रहा है कि आने वाले युवा जो हम हैं हम लोग भी डर जाएंगे कि हाँ हमको सपोर्ट करना चाहिए, आगे उसको लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ घटना है। सफाई कर्मचारी थे, एक सफाई कर्मचारी था वो, और क्या संघर्ष किया होगा, बहुत सारी चीजें हैं उसके लाइफ में जो चली होंगी, फिर भी वो हार ना मान के इनको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया, एक अच्छा पद दिलाया, पीसीएस का पद होता है इस पे तैनात कराया, उसके बाद ऐसी अगर उसके साथ दुर्व्यवहार करती है तो ये सब शर्मनाक है।